अच्छे से रह रहे होंगे, है ना। आज मैंने सोचा थोड़ा एनर्जी से वीडियो को शूट करते हैं। सब कहते हैं जिनके वीडियोस में एनर्जी होती है ना, एकदम वाओ वाओ वाली फीलिंग आती है, तो उसकी वीडियोस को मतलब लोग बहुत पसंद करते हैं। और फिर मैंने सृष्टि मैम की वीडियोस को भी देखा, उन्होंने सिखाया है कि आप मतलब कि कुछ करो या ना करो, अपनी वीडियोस पे ढेर सारा चिल्लाओ, जितना आप चिल्लाओगे आपकी वीडियो उतना वायरल होगी। तो मैं मैम 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 मैं चिल्ला रही हूँ सृष्टि मैम के कहने के अनुसार, मैं चिल्ला रही हूँ और मैं चलती हूँ चिल्ला चिल्ला के आज वीडियो बनाने के लिए। तो आज आज है अष्टमी और कल का ब्लॉग जिसने नहीं देखा वो जाके अभी देखे, अभी तुरंत देखे। कल का ब्लॉग बहुत ही ऑसम था। 10 साल की मतलब मैरिड लाइफ में मैंने पहली बार मतलब डांडिया की जर्नी को किया, मतलब कि पहली बार डांडिया राय बरेली में हमने किया। वैसे तो मैंने मैके में भी नहीं किया था, दोनों मतलब जितनी उम्र हुई है ना, उम्र क्या ही बताऊँ मैं, वो बताना यहाँ पे सोशल मीडिया में थोड़ा मुझे शर्म आती है, तो इस वजह से उम्र ना जानो, बस ये जान लो कि हाँ इतने सालों में मैंने पहली बार डांडिया में शामिल हुए। और पहला दिन था, थोड़ा शाई शाई था, लेकिन आज मैं एकदम प्रॉपर धूम मचाने वाली हूँ फिर से वहाँ पर। तो आज है अष्टमी, अष्टमी में आज हम लोगों का जो है ना ड्रेस का क्या कहते हैं उसको, कोट, ड्रेस कोड जो है वो है रेड कलर की साड़ी। तो कल क्या था ना, लहंगे में मैं उतना कंफर्ट नहीं थी क्योंकि मेरा ब्लाउज का नेक जो पीछे से बहुत बड़ा था, तो मैं उसको ढक वक के रह रही थी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो जानने वाले हैं जिनकी मैं भाभी हूँ, तो वहाँ पे ऐसे एकदम अजीब अजीब से मतलब थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल था। लेकिन आज मैं एकदम प्रॉपर जैसे साड़ी पहन के जाऊँगी ना, तो मैं थोड़ा सा कम्फर्टेबल रहने वाली हूँ, और आज भी मैं वो खूब मस्ती करने वाली हूँ और ये भी करेगी मस्ती मेरे साथ। तो साक्षी भी मैंने रोका हुआ, दीदी से बड़ी रिक्वेस्ट करी है, बड़े पापड़ मिले इसको रोकने के लिए, इसकी मम्मी ना इसको रोकती नहीं है, तो इनकी मम्मी का इनके बिना मन ही नहीं लगता, तो ये रुकती नहीं है। तो ये आज मैंने फिर से इसको रोका है, और आज और कल है नौमी, कल रहेगी नौमी, तो नौमी की भी मुझे तैयारी करनी है आज, क्योंकि जितनी तैयारी मैं कर लूँगी ना उतना, क्योंकि रात में जाते ना वहाँ डांडिया वांडिया करते तो फिर थक से जाते हैं, तो आने के बाद नहीं हो पाता है कुछ भी। तो कल है नवरात्रि का नौमी, तो कल मैं खिलाऊंगी कन्या, तो उसकी भी तैयारी मुझे अभी करनी है। तो अभी मैं फिर से जा रही हूँ बाज़ार, आजकल पता नहीं क्या क्या छुटका छू गया है मुझे, मैं रोज़ दिन बाज़ार 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 कर रही हूँ। तो फिर अगेन मैं अजीत के साथ जाने वाली हूँ, क्योंकि वो रहते हैं ना तो थोड़ा मेरा कन्वेंस बच जाता है। हाँ यही बात है, कन्वेंस बच जाता है भाई, 20-25 रुपये औरतों का बच जाता है ना रिक्शे का किराए का, तो वो लोग बड़ी खुश हो जाती हैं। तो उसकी नौमी की चली हुई तैयारी करने, और अभी शाम को हम लोग क्या क्या करेंगे फिर आपसे शेयर करेंगे, है ना। ये तो कुछ नहीं करेगी, ये बस बगल में बैठ के मुस्कुराएगी। आज इसको मैं घसीट घसीट के मतलब डांस करने वाली हूँ, वहाँ पे डांडिया करने वाली हूँ। ये तो कल अपना डांडिया दान में दे आई, कल अजीत ने हम लोगों के लिए खरीदा, वहाँ पे डांडिया कम पड़ गया था तो बेचारे ने खरीदा, 3 डांडे खरीदा, एक मेरे लिए, एक रिद्धि के लिए, एक इसके लिए, ये दान कर दी, क्योंकि इसने पहले सुन लिया था कि वहाँ के लोग जो हैं अलाउंस वगैरह कर रहे थे, जिन्होंने अपना डांडिया दिया था उन्होंने कहा था कि आप जो भी डांडिया रिप्लेस करिएगा, इन्होंने लिया तो उनसे नहीं था लेकिन दिया अपना है तो इन्होंने रिप्लेस कर लिया है, तो इनके लिए 2 हमने झाड़ू की सीख ले जानी है, क्योंकि इनको वैसे भी डांडिया करना नहीं, इनको तो वहाँ पर बैठे कहेंगे नो मौसी नहीं मौसी ऐसे ऐसा करती है ये, तो इसलिए मैं इसको ना इसके लिए 2 झाड़ू की सीख ले जाऊँगी, ये ऐसे ऐसे करेगी अपना बढ़िया। तो आज भी बड़ी मस्ती होने वाली, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो चलते, पहले तो टाइम नहीं वेस्ट करते, ब्लॉग को अगर लंबा कर लेंगे ना तो फिर आप लोग मतलब देख देख के बोल जाएंगे। आइए मम्मी आ गई, मम्मी आज चलेंगे डांडिया करने, मम्मी कहाँ है, हम मम्मी डांडिया करके दिखाएंगी। अच्छा देखो मम्मी को डांडिया आता है, रिद्धि नीचे रही है, मम्मी को डांडिया आता है, मम्मी एक्साइटमेंट में आई है और मम्मी डांडिया करके हम लोगों को साक्षी के कहा हाथे आवत। हाँ मम्मी शुरू हो जाइए, ये अरे वाह, अब गाना गा, अरे 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 ढोलना आयो रे आयो रे आयो तुम्हारे, देखो मम्मी को आता है।
फ्री डांस कहा जाता है। अच्छा फ्री डांस देखा देखा दादी कैसे बस ना सुनना। ये देखिए रिद्धि आ गई, रिद्धि डांडिया की आवाज सुनते ही आ गई। ये ऐसा दूर से दो मुंह पे नहीं है, ये रिद्धि तो अपना खोल खा के रख दी है डांडिया। और रिद्धि आज सुबह से खूब कमाई करी है ना रिद्धि, खूब सारी चीजें देखो आज दो जगह करी है। ऐसे किया जाता है जब दादी से सीखो। ये 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 शरीर उतना लहरता नहीं है, गिरने को हो जाते हैं। यही अंतर होता है जवानी और बुढ़ापे में। ये हम चाहते हैं कि नाच लो, हम नाच नहीं सकते लेकिन अच्छा किया आपने तो वही तो। अरे दी बताओ तो क्या क्या मिला तुम्हें, ये जो येलो येलो पार्ट सब खूब ढेर सारे खाने। हाँ और इतना खा के आई है बाहर से कि ये अच्छा 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 चल तो रिद्धि को थोड़ा सा लग गया, पहले हम जाते हैं रिद्धि का ट्रीटमेंट करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। मेरी पूजा शामली हो गई और आज अष्टमी है, कल से शामली। मम्मी नवमी से तो रात वाली आरती नहीं करते ना, जब हाँ जब हम लोगों के यहाँ जब कलश हिला दिया जाता है नवमी को, हम लोग कलश हिलाते हैं तब फिर शाम की पूजा नहीं करते। तो आज अष्टमी है, आज शाम वाली पूजा, ये ऐसे माता रानी की ये आज आखिरी शाम होगी माता रानी की। लाइट बहुत कम है, एक लाइट जला लेते हैं। हाँ और देखिए भगवान मेरी माता रानी, अब की बार धान नहीं होगा क्योंकि जो चूहा महाराज थे वो पूरा धान खाए हैं एकदम मन से। उन्होंने कहा कि अब की बार धान ना होगा और अब की बार मेरा पेट भरो, तो इसलिए जो चूहा महाराज है वो खा चुके। तो एक दो पता नहीं सूखा है, लग नहीं रहा है, कड़ा कड़ा तो हो गया है। हाँ तो इस तरीके से शाम की पूजा हो गई है और साक्षी है, मम्मी अपना टीवी देख रही है। और साक्षी को हमने कहा आओ मेरे घर का मजा लो, हम लोग छज्जे में झांके कि कौन कहाँ जा रहा है। और दीदी का एज यूजुअल पेट दर्द शुरू हो गया है ना दीदी, खुश रहो खुश रहो, उठो। ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कोई गरीब लड़की दीन दुखिया। तो हम लोग छज्जे पे आ गए अपने लॉबी पे मतलब की, और ये बगल में दुश्मन पार्टी क्या, हमारी यहाँ दुश्मन पार्टी है, दुश्मन पार्टी का कोई फंक्शन है तो पूरा अपना घर सजाए हुए हैं दिवाली के पहले ही जगमग जगमग। इसी समय सजा लिए फिर दिवाली में नहीं सजाएंगे ना, अब इसे लेके इतने आलसी लोग हैं कि रात तक सजा ऐसे ही रहेगा, अब दिवाली तक ऐसे सजा रहेगा, वहाँ के आलसी हैं, दिवाली के 15 दिन तक भी ऐसे ही रहेगा। तो हम लोग अपने लॉबी पे आ गए, हम और साक्षी टाइम पास करें। खाना तो मैंने सुबह ही बना लिया, जब मुझे कहीं जाना रहता तो हम लोग सुबह ही खाना बना लेते हैं। और अब चलते हैं, तैयार होंगे, अब हम लोग भी जाना है पार्टी हो रही, डांस दिखी नहीं रही, शक्लें दिखी नहीं रही, रुको अभी दिखाते हैं। अब थोड़ी दिख रही ना, मैंने ब्राइटनेस बढ़ा लिया, मेरा आईफोन तो है नहीं जो शक्लें दिखेंगी अंधेरे में। मेरा छोटा सा नॉर्मल सा फ़ोन है वीवो का, उसी गरीब इंसान, आप लोग बढ़ाएंगे आगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो फ़ोन भी खरीद लेंगे। आपको दिखाते मतलब अभी पूरे मोहल्ले में एकदम रौनक है, मोहल्ले में नहीं पूरी रायबरेली में इतनी रौनक है, हर जगह मतलब इतने गाने बज रहे हैं, इतना हर चीज़ हो रहा है ना कि ऐसा लगता है कि मथुरा और काशी में आ गए हैं, भक्ति भाव में एकदम डूब चुके हैं। हर जगह लाइट क्योंकि ये दशहरे से नवरात्रि में बहुत कम समय बचता है ना, तो इतनी ज़्यादा लाइटें वगैरह हो जाती हैं। तो चलते दिखाते हैं कि क्या है बाहर। वो देखिए उधर मेला आप देख रहे हैं, एकदम वहाँ दुर्गा जी वहाँ पे एक रखी गई है इसलिए पूरा वो सजा हुआ है। मेरे मोहल्ले में 3-4 दुर्गा जी रखी गई हैं।
कलकत्ता से आए हुए उत्कृष्ट कलाकारों द्वारा बनाया गया है। इसी कड़ी में नासिक से मराठी ढोल अपने 70 संगतों के साथ राजघाट पर शोभा यात्रा समाप्त होगी और वहीं पर माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। आप सभी माता रानी के भक्त अपने इस मित्रों सहित आस पड़ोस में सबको साथ लेके आए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय। लोका देवी तुम्बेशाधर पंचधारे महादेव पवित्रम पुरचाशन आधार सक्रिय नम चिद्रूपिण महामाय देवी देशता देव शिखा मध्य तेजो प्रदीन गुरु समय
सो फैमिली हम लोग आ चुके हैं डांडिया से और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। साक्षी तुझे मज़ा आया? साक्षी भूत बन गई, साक्षी ने तो चेंज भी कर लिया। मैंने आने के बाद एक दो रील बनाई है क्योंकि वहाँ पे तो इतना साउंड होता है कि कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो बहुत मज़ा आया और सब इतनी प्यारी प्यारी सी दुल्हन जैसी बन के आई थी, लाल लाल पहन के, बहुत अच्छा लग रहा था। और कल देखे, कल है बंगाली लुक, कल भी मैं कोशिश करूँगी जाऊँ, लेकिन देखते हैं कल का थोड़ा। तो इसलिए गड़बड़ लग रहा है मुझे क्योंकि कल है कन्या खिलाना है, सारा काम वाम है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोशिश करूँगी एकदम लास्ट में चली जाऊँ। आज तो मैं इसलिए गई थी कि हाँ थोड़ा भजन वजन में ना जाऊँ ना, तो फिर थोड़ा सा अजीब अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है बस डांस करने आए हैं। तो पूरा डांडिया वांडिया होता है ना, इतना दिल खुश हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो देखते हैं अब कल जाते हैं और बंगाली लुक कर पाते कि नहीं, क्योंकि मुझे बंगाली साड़ी मैंने कभी बांधी ही नहीं है, तो पता नहीं मुझे मैं बांध भी पाऊँगी कि नहीं बांध पाऊँगी, देखते हैं। वो तो कल के ऊपर है। आज का दिन बहुत बढ़िया, बड़ा मस्त हुआ। तो चलो ठीक है, फिर आज का व्लॉग भी यहीं एंड करते, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं क्योंकि 3 दिन आप मुझे इन्हीं सब अखबारों में देखने वाले हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। और चलते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।